हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको इस वीडियो में ये बंगल बनाना सिखाने वाली हूँ। ये डिज़ाइन जो है वो कैसे बनता है वो सीखते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन का लिंक, मेरा नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने दिया हुआ है। तीनों जगह पे आप मुझसे ज्वाइंट हो जाइए। एप्लीकेशन के अंदर आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है उसका उसमें फ्री वीडियो मिल जाएगा। और मुझसे अगर ऑनलाइन आपको सीखना है तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी आपको वहां पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है उसमें आप ज्वाइंट हो जाए। आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना उस ग्रुप में आप मैसेज करना, वहां पे आपको ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे डिजाइनर जो है वहां पे, तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ना वहां पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वहां से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप मुझे पर्सनल, मैंने ना जो नंबर दिया है वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेंगल बनाना। इस बेंगल का साइज हमें रखना है 2.5 आनी। तो 2.5 आनी के मुताबिक इसका साइज होगा mm में 58.7। तो हम यहाँ से रिंग रेल में जाएंगे, रिंग रेल में यहाँ पे लिखेंगे 58.7, एरो पर क्लिक। यह हमारा बेंगल का मेन आइडिया आ गया है। अभी हमें इसी हिसाब से बेंगल सेट करना है। तो हम पहले ये जो बेंगल है वो फ्रंट में सेट करेंगे। तो हमें क्या करना है, व्यू में जाना है, पिक्चर फ्रेम पे क्लिक किया, बेंगल का फोटो ओपन किया हमने। यहाँ पे हमें यहाँ पे इतना पार्ट ही चाहिए तो हम ये रखेंगे और बाकी का ट्रिम। तो सिलेक्ट किया, एक्स्ट्रा जो था उसे ट्रिम कर दिया, डिलीट। अब हम यहाँ पे यहाँ से कर्व ड्रॉ करेंगे, बोथ साइड। यहाँ पे भी बोथ साइड वाला एक कर्व ले लिया, यहाँ पे भी एक बोथ साइड वाला कर्व और इस तरफ भी, फिर इन दोनों का ट्विन कर्व। सिलेक्ट किया, मूव का ऑप्शन, इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्लिक, F4। दोनों इन सब को उसको भी सिलेक्ट करके डिलीट डिलीट। और इसे सिलेक्ट करना है इमेज को, ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल 2D, फिर इसे यहाँ पे हम लॉक कर देंगे। अभी इस हिसाब से हमें ये टॉप में सेट करना है। तो हम यहाँ से पहले एक बोथ साइड वाला लाइन ले लेंगे और उसे सामने के साइड मिरर, दोनों को सिलेक्ट किया, राइट व्यू में से इसे रोटेट करके हमें टॉप में सेट कर देना है। इसे भी हमने ऑरेंज कलर रख दिया है यहाँ पे, इसे लॉक कर दिया यहाँ पे। अब हम टॉप का इमेज सेट करेंगे। तो व्यू में जाना है, पिक्चर फ्रेम, फिर से ये वाला इमेज ओपन, फिर टॉप में से जितना पार्ट रखना है उतना रखेंगे, बाकी का हम ट्रिम कर देंगे। तो यहाँ पे इसे क्लिक किया, एक्स्ट्रा इमेज है वो ट्रिम डिलीट। सेलेक्ट किया, मूव का ऑप्शन, ये डायमंड के जो सेंटर में हम क्लिक कर लेंगे। अभी सेंटर में क्लिक किया, F4, इसे सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल 2D, पॉइंट्स को भी हम बंद कर देंगे, इमेज है इसे भी हम ग्रे कलर दे देंगे। अभी तो यहाँ पे लॉक हो गया है।
अब हम ऑरेंज कलर को अनलॉक करेंगे। इसको कॉपी किया आईडी को, उसे हमने ग्रीन कलर दे दिया है। ऑरेंज को फिर से हम लॉक कर देंगे। ये ग्रीन वाला जो है उसे हम ऑफसेट देंगे ऊपर की तरफ, 0.8 का है वो। फिर सेव कर लिया एक भी एक बार। अब हम यहाँ इस बेंगल को फ्रंट में से ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कर्व लिया यहाँ तक, उसे यहाँ तक ऐसे हाइट दे देना है हमें। फिर लाइन से इसको हाफ ट्रिम और हाफ सामने की तरफ मिरर दे देना है। तो ये वाला जो कर्व है अभी डिलीट, उसे सामने की तरफ मिरर देना है। दोनों को सिलेक्ट करके जॉइंट F10 करके बीच वाला जो पॉइंट है वो डिलीट, इसे हमें नीचे की तरफ ऑफसेट देना है। तो उसका हाइट है 0.9। फिर इसे सरफेस में जाके लॉफ्ट देना है। फिर टॉप में से ये वाला जो पट्टी है उसका मेजर ले लेना है। तो मेजर अलाइन डायमेंशन से हम यहाँ से इस तरफ क्लिक करेंगे यहाँ, तो ये 2.4 का है। तो 2.4 है तो हमें इस पट्टी को बोथ साइड हाइट 1.2 देना है। तो सिलेक्ट किया टॉप में, सरफेस में ऑफसेट लॉफ्ट, सरफेस को सिलेक्ट किया, टॉप लेना है और उसमें ऑफसेट सरफेस बोथ साइड यस रखना है और उसमें हाइट देना है 1.2। ये हो गया है अभी यहाँ पे। अब ये जो साइड का वाला पट्टी है वो हमें बनाना है। तो हमने क्या किया, उसे सिलेक्ट किया कंट्रोल सी कंट्रोल वी से, इसे यहाँ 1D करके इसके ऊपर सेट कर देना है। और पहले हम उसका मेजर ले लेंगे कि वो कितना ब्रॉड है। तो मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन से हमने ये 0.7 का है, तो कर्व में जाके सर्कल F4 0.7 का सर्कल लिया हमने अभी। तो ये अभी फिक्स 0.7 है, इसे मूव करके एग्जैक्ट इसके ऊपर हमने सेट कर दिया। इसको सामने की तरफ मिरर, अब ये बीच वाला जो मेटल है उसे हमें हाइट थोड़ा ज्यादा देना है। तो हमें क्या करना है, ये बीच का जो है वो भी डिलीट कर दिया। इन दोनों पट्टीज को भी हाइट में रखना है। फ्रंट में से यहाँ पे जो कर्व ड्रॉ किया था उसे बाहर की तरफ 0.4 ऑफसेट देना है हमें। ये वाला जो है हाइट में, फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, सरफेस में जाके लॉफ्ट और इसे बोथ साइड हाइट हमें 1.2 देना है। तो सिलेक्ट ऑफसेट सरफेस बोथ साइड 1.2। फिर इन बाजू की पट्टी को जो शो करना है हमें, फिर ये वाला जो सिंगल मेटल है उसे सिलेक्ट करके बाकी का भी हाइट में इमेज भी हाइट कर देंगे हम। हमें इसके ऊपर हेलिक्स सेट करना है। तो हमें क्या करना है, कर्व में जाना है, डुप्लीकेट एज लेना है दोनों का, उन दोनों के बीच का ट्विन कर्व। अब ट्विन कर्व सिलेक्ट किया, यह पट्टी अभी 0.7 का है, तो हमें हेलिक्स भी 0.35 का बनाना है। तो हेलिक्स पे क्लिक किया, अराउंड कर्व, कर्व पे क्लिक करना है हमें, यहाँ लिखना है 0.35 और टर्न्स हमें रखने हैं 75। अभी मैं रखती हूँ अंदाज के हिसाब से। इसे सिलेक्ट किया, सॉलिड में जाके पाइप, यहाँ लिखना है 0.35। तो हमें टर्न्स इसमें कम करने हैं। तो कर्व को सिलेक्ट किया,
फिर से हेलिक्स और राउंड कर्व, कर्व पर क्लिक करना है, 0.35 लिख के एंटर और टर्न्स में रखूंगी अभी यहाँ 68। अभी से यहाँ पाइप देना है तो सॉलिड में पाइप का ऑप्शन तो हो गया है। अब मैं इसे यहाँ थोड़ा वंडी कर लूंगी, हो गया है यहाँ पे सेट। थोड़ा ऊपर और इसे नीचे की तरफ मिरर दे दूंगी, फिर इन दोनों को भी ग्रुप कर दिया। अब हमें जो ये सेंटर में ये बॉक्स सेट करना है वो बनाना है, तो वो बॉक्स का मेजर हम ले लेंगे पहले। तो मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन, इसका टॉप में से मेजर ले लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ये है 5.10 का। अब फ्रंट में से हम मेजर लेंगे, हम पहले ये सर्कल का मेजर ले लेते हैं, तो सर्कल का मेजर है 5 mm, तो हमें बीच दोनों साइड यहाँ पे 0.7 0.7 का गैप रखना है, तो 5 + 1.4 तो 6.4 रखना है हमें इस बॉक्स को। तो हम इमेज हाइड करेंगे, कर्व में जाना है, सिंगल लाइन F4 बोथ साइड, यहाँ तक रखा हमने। अब हमें 6.4 रखना है, तो बोथ साइड ऑफसेट में हमें उसको 3.2 देना है, तो ऑफसेट मैंने 3.2 लिखा यहाँ पे। बीच वाला कर्व जो है वो डिलीट, फिर शो किया इन दोनों को, उसको वंडी करके इस कर्व के लेवल तक यहाँ तक सेट कर देना है। बाकी का फिर से हाइड, दोनों को सिलेक्ट करके सरफेस में जाके लॉफ्ट देना है हमें। और एक सर्कल लूंगी मैं अभी, सिलेंडर सर्कल है 5 mm का, तो 5 लिख के एंटर, माइनस 1.2। शो करके हमने देखना है, सर्कल थोड़ा छोटा रखना है हमें, तो सर्कल को सिलेक्ट कर लिया, मेटल के लेवल तक रख दिया, मेटल के ऊपर ही से हमें 1 point, उसे हमें 1 mm रखना है, 0.8। अब फ्रंट में से हम ये देख लेंगे कि ये बॉक्स का हाइट कितना है, तो मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन, यहाँ से ऐसे क्लिक किया तो इसका 1.8 हाइट है, तो सरफेस को सिलेक्ट किया, ऑफसेट सरफेस में डिस्टेंस में 1.8 लिख के एंटर, फिर इसमें जो बॉक्स कट करना है वो मेजर ले लेंगे हम, तो ये बॉक्स का जो कटिंग है वो ऐसे 0.8 का ब्रॉड है, तो हम क्या करेंगे, सॉलिड में जाके एल बॉक्स ले लिया हमने F4, 0.8 लिख के एंटर, 0.8 लिख के एंटर, 0.8 लिख के एंटर, फिर उसी बॉक्स को सिलेक्ट किया कंट्रोल अल्टर सी से सेंटर में।
हम यहाँ से कितना डीप रखेंगे तो -0.5 डीप रखना है हमें, और टॉप में से ऐसे 1D करके उसको खींच लेना है। फिर ये सर्कल सिलेक्ट करना है, उसमें डिफरेंस ये सपोर्ट है वो इतना हो गया है अभी। फिर हमें इसके नीचे का स्कूपिंग रखना है, तो हमें क्या करना है, ये सर्कल है उसका डुप्लीकेट एज लेना है, तो कव में जाना है डुप्लीकेट एज, यहाँ से वायर फ्रेम कव का डुप्लीकेट एज लिया, बॉटम में से इसको ऑफसेट देना है मुझे 0.6 का। फिर अंदर जो हमने ऑफसेट दिया उसी सर्कल को हम सिलेक्ट करेंगे अभी यहां से, उसका सॉलिड में से एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट से बोथ साइड वाला हाइट ले लेंगे, और ये नीचे वाले मेटल में उसको डिफरेंस, तो यहां से ये खाली हो गया है अभी। हम इसे ग्रुप करके यहाँ से एक कॉपी करके एग्जैक्ट स्ट्रेट यहाँ से इतना ऊपर ले लिया, तो उसे हम थोड़ा वहां पे बेंड कर देंगे, तो ट्रांसफॉर्म में जाके बेंड का ऑप्शन लेना है, यहाँ से यहाँ ऐसे क्लिक किया, सिमेट्रिक यस रखना है हमें इतना, फिर इसे सिलेक्ट करना है, और बेंगल में हमें देखना है कि पार्ट कितने हैं, तो इसमें 8 पार्ट है, तो इसे हम 16 मिरर देंगे। ये 4 किया, 16 लिख के एंटर एंटर एंटर। अब हम ये वाला रखेंगे, बाकी का सब डिलीट। मैं यहां से इसे थोड़ा इसे मूव कर लेती हूँ, क्योंकि ये इसके ऊपर दिख रहा है, इसलिए हो गया है अभी। अब मूव फेस से इसका हाइट में फ्रंट में से इतना नीचे ले लेती हूँ, फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी किया, मूव करके यहां तक ले लेना है हमें, इसे कॉपी करना है कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहां से -0.7 इस तरफ लिया हमने, फिर इन दोनों बाहर वाले को हमने सिलेक्ट किया, दोनों को लॉफ्ट दे दिया है अभी, और इसको नीचे की तरफ हाइट देना है, तो सरफेस में जाके ऑफसेट सरफेस लिया हमने, एरो को फ्लिप ऑल करके अंदर, और डिस्टेंस में हमें लिखना है 0.7। तो अभी ये वाला एक पट्टी कंप्लीट हो गया है, उसे सामने के साइड मिरर जो एक्स्ट्रा कर्व्स थे उसे डिलीट कर दिया। अब ये बॉक्स और ये पट्टी हम दो ही रखेंगे, बाकी का सब कुछ हाइड। बॉक्स को हम थोड़ी देर के लिए मिरर कर देंगे यहाँ पे, अब इसका हम ट्विन कर्व लेंगे, तो कर्व में जाके डुप्लीकेट एज लेना है पहले हमें इसका, फिर इसका ट्विन कर्व लिया हमने, कर्व को सिलेक्ट करके डायमंड साइज इसके हिसाब से हमें सेट करना है, (2.2) का है, तो F6 किया, जेम काउंट ऑन का ऊपर क्लिक किया, इमेज अभी मैं हाइड कर देती हूँ, स्टार्ट डायमीटर पे लिखना है हमें 2.1 का, स्पेसिंग रखना है हमें 0.15,
और यहाँ वाई एक्सिस पे क्लिक करके सरफेस पे हमें क्लिक करना है, और यहाँ जो जिस सरफेस पे हमें सेट करना है उस पर एक बार क्लिक करना है जिससे डायमंड सरफेस पे ठीक से बैठ जाए। अभी मैं डायमंड का साइज 2.2 रखती हूँ। और इन सब के बीच का स्पेसिंग भी बढ़ा देती हूँ। एंटर। ये वाला जो डायमंड है उसे डिलीट करना है हमें। फिर इन सभी डायमंड्स को सिलेक्ट करके सामने की तरफ मिरर, अभी इन सब को एक साथ ग्रुप करना है हमें। पट्टी इससे थोड़ा ब्रॉड है तो हम थोड़ा इसे ब्रॉड कर देंगे यहाँ से। फिर मेटल को सिलेक्ट करना है F6। सबसे पहले तो ये यू कट वाला है तो हमें इसमें डायमंड नीचे की तरफ लेने हैं, तो डायमंड को सिलेक्ट किया, F6 का ऑप्शन लिया। हमें MSRC इन डायमंड्स को नीचे लेना है मेटल के अंदर, तो हमने इस तरह से ऐसे सेट कर लिया है यहाँ पे। अब हम डायमंड्स के बीच का मेजर चेक कर लेंगे एक बार। फिर डायमंड्स को सिलेक्ट किया F6, माइक्रो प्रो कटर का ऑप्शन लिया हमने। हमें यहाँ स्टाइल्स में जाना है, फिश टेल वाला जो ऑप्शन है उसे लेना है, अप्लाई किया हमने। फिर एडिट में जाके चैनल 0.7 वाला जो टूल्स था उसे ले लिया। इसके विड्थ एडजस्टमेंट को हमें 0 करना है। इसका हाइट है वो हमें 1 mm सेट करना है। और ड्रॉप हमें 0.10 रखना है। इतना हो गया। फिर से वायर फ्रेम करके हमें डायमंड को सिलेक्ट करना है F6। फिर से माइक्रो प्रॉन्ग कटर का ऑप्शन लेना है हमें, स्टाइल्स में जाना है और ये मिडल वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है। उसमें हमें इसे ड्रॉप रखना है, यहाँ से डायमंड की गडल से थोड़ा ही नीचे। तो ये सेट हो गया है अभी। फिर ये डायमंड को सिलेक्ट किया अभी F6 करके, हमें चैनल बिल्डर का ऑप्शन लेना है और कैप राउंड, स्क्वेयर ही रखना है हमें। इसका विड्थ हमें 65 रखना है। एंटर। ये हो गया है अभी सबसेट। फिर इस मेटल को सिलेक्ट करना है और हमें यहाँ से इस नीचे का मेजर भी चेक करना है। ये 0.5 का ही है। हमें ये फिर से लेना है तो हमें क्या करना है, डायमंड को सिलेक्ट किया F6, चैनल बिल्डर का ऑप्शन लिया और इसे फ्रंट में से
ये वाला जो कट है उसके लेवल तक रखना है, तो हम इसका हाइट कम कर देंगे यहाँ से वायर फ्रेम करके। यहाँ तक रखा, ऐसे मेटल के ऊपर अभी ये सेट हो गया है। फिर इन तीनों को सिलेक्ट करके एक साथ हमें इसमें जेम कटर दे देना है। भी एक साथ नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, अलग अलग करके देखेंगे। ये वाला कटिंग हो गया है, अब इसमें हम इसे भी डिफरेंस कर देंगे। अब हमें ये जो चैनल बिल्डर वाला है उसे सिलेक्ट करके डिफरेंस देना है। तो वो नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे थोड़ा ऊपर लेकर जेम कटर देंगे। सिलेक्ट किया, सॉलिड में गए, डिफरेंस, ये वाले मेटल पे क्लिक, एंटर। तो हो गया है इसका कटिंग भी। अभी फिर डायमंड्स को सिलेक्ट करना है। F6 में जेम कटर लिया हमने और उसमें हमें ये जेड ऑफसेट से इसे पूरा ऊपर ले लेना है। हमें यहाँ पर सिर्फ राउंड कट ही देना है, तो इतना ऊपर ले लिया, एंटर। इस मेटल पे क्लिक किया, डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बेंगल का एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसे थोड़ा और ऊपर लेना है, तो इसे सिलेक्ट किया, इसे इसके ऐसे ही डायरेक्शन में हमें ऊपर लेना है। ऑरेंज वाले कर्व को सिलेक्ट, उसको 0.8 का ऑफसेट ऊपर की तरफ, दोनों को सिलेक्ट किया, कॉपी करना है हमें। इसके लेवल तक ले लेना है, फिर कॉपी किया, यहां से -0.7 इस तरफ ले लेना है। फिर बाहर वाले दोनों को सिलेक्ट करके लॉफ्ट देना है। फिर उसे सरफेस ऑफसेट अंदर की तरफ डिस्टेंस में हमें लिखना है 0.8। हो गया ये पट्टी अभी सेट, सामने के साइड मिरर, इसे सिलेक्ट करके हमें एरे पॉलर देना है 8। इनको भी ग्रुप कर दिया मैंने, दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप किया, फिर इसे हमारे पॉलर देंगे 8। आप देख सकते हैं कि सर्कल के अंदर जो पट्टी आया है उसे हम क्या करेंगे, ये वाला जो नीचे का डुप्लीकेट हेज है उस नीचे वाली जो एज है उसका डुप्लीकेट एज लेंगे कव में जाने के लिए। डुप्लीकेट एज यहाँ पे क्लिक किया, एंटर। फिर फ्रंट में से सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट से
कर्व में गए, डुप्लीकेट एज का ऑप्शन लिया, यहाँ पे क्लिक एंटर, फिर टॉप में से इसको सिलेक्ट करना है हमें, सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट फ्रंट, फिर इसके सॉलिड पॉइंट ऑन करे हमने, इसके बीच ऐसे सेट कर दिया और यहाँ भी इसे यहाँ तक मूव। फिर से इसके सॉलिड पॉइंट ऑन करने हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसे थोड़ा इस तरफ, तो हो गया इसके एग्जिट इसके ऊपर सेट। फिर कर्व में जाना है, एक लाइन लेना है यहाँ से ऐसे ऐसे, सिलेक्ट ट्रिम सिलेक्ट किया और उसे क्लिप प्लानर दे दिया, फिर इसे सिलेक्ट करके सामने के साइड मिरर दोनों को ग्रुप, फिर इसे थोड़ी देर अनग्रुप करना है, इन तीनों मेटल्स को सिलेक्ट किया डिफरेंस, फिर इसे सिलेक्ट करके दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया। अब हम इसे अरे पॉलर दे देंगे, तो पेंगल के कितने पार्ट है तो 8, तो F4 करके मैं इसे 8 अरे पॉलर दे देती हूँ। फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, अभी यूटिलिटीज में जाके ग्रुप, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो बेंगल है वो भी कंप्लीट हो चुका है, पर अभी इसमें यहाँ पे सपोर्ट बाकी है, तो हम क्या करेंगे, सॉलिड में गए, पहले तो फ्रंट व्यू में हम देख लेंगे सपोर्ट का मेजर कितना है, सॉलिड में जाना है, एल बॉक्स लिया हमने 0.6 का, 0.6 लेके एंटर, 0.6 एंटर, 0.6 एंटर, फिर इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल अल्टर सी से सेंटर में, फिर ऐसे यहाँ मूव करके सेट कर दिया, फिर ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल 1D का ऑप्शन लेना है और यहाँ से इसे ऊपर तक टच करा देना है, फिर कॉपी करना है, फिर यहाँ पे इसे सेट किया, फिर इसे कॉपी किया, फिर इसे यहाँ पे कॉपी करके इस तरफ मूव कर लिया हमने, फिर इन तीनों को सिलेक्ट करके सामने की तरफ मिरर, इन सभी सपोर्ट को भी हमने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ से, टॉप में से इसे यहाँ तक हम मूव कर लेंगे, फिर सामने के साइड मिरर,
फिर यहाँ से हमें पैक करना है इसे तोकाओ में जाके। इंटप कहो लेना है यहाँ से। और यहाँ से इसे ऐसे पैक कर देना है। तो एक कहो यहाँ पर लिया मैंने और दूसरा इस तरफ। फिर दोनों कहो को सिलेक्ट करना है, लॉफ्ट देना है और उसे हाइट देना है 0.7 का। फिर टॉप में से यहाँ तक मैं मूव कर लूंगी उसे सामने के साइड मिरर। दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप किया, फ्रंट में से मिरर कर दिया मैंने अभी। करिए अभी है पूरा का पूरा पार्ट मैंने ग्रुप कर लिया है यहाँ पे। इसे सिलेक्ट किया और ट्रांसफॉर्म में जाके अरे पॉलर F4। इसे हाइड किया, काउस को भी हाइड और इसे पूरा का पूरा सिलेक्ट करके अभी ग्रुप। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो बेंगल है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।